हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। साल 2019 अपने अंतिम चरण पर है और सभी लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के फैन कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हां, आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड में 2019 की ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने लो बजट पर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया है, और साथ ही कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो हाई बजट होने के बावजूद लोगों पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। सबसे पहले हमारी टॉप 5 लिस्ट में जो 5वें नंबर पर फिल्म आती है वो शाहिद कपूर की कबीर सिंह। इस फिल्म ने 68 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो कि बॉक्स ऑफिस पे इसने 380 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो 4थे नंबर पर आती है वो फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की छिछोरे। छिछोरे का बजट 50 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 290 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद जो 3रे नंबर पर फिल्म आती है वो है अक्षय कुमार और विद्या बालन की मिशन मंगल। मिशन मंगल का बजट 32 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पे इसने 290 करोड़ रुपए कमा के धमाका कर दिया। इसके बाद जो हमारी टॉप 2 पे आती है फिल्म वो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी का बजट 25 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पे इसने तहलकही मचा दिया। इसके पीछे कारण है 342 करोड़ रुपए का बिजनेस। फाइनली जिस मूवी का सबको था बेसब्री से इंतजार वो हमारी टॉप लिस्ट में आ चुकी है। हमारी लिस्ट में जो टॉप 1 पर है वो उस मूवी का नाम है फोटोग्राफर। ये एक ड्रामा एंड रोमांस मूवी है जिसके लीड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सानिया मल्होत्रा है। उन्होंने अपने काम से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म की लागत मात्र 3,45,00,000 रुपए है और इसने अपने बजट के अनुसार कई गुना ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, लगभग 41 करोड़ रुपए का बिजनेस। तो ये बात थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिनके बजट बहुत ही कम थे और इन्होंने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया है। अब बात करेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जिनका बजट हाई होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस में अपना दबदबा नहीं बना पाई। हमारे टॉप 5 लिस्ट में आती भारत। भारत का बजट 300 करोड़ रुपए था लेकिन इसका कलेक्शन मात्र 209 करोड़ रुपए था। अब बात करते हैं हम टॉप 4 की, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इसका बजट लगभग 80 करोड़ रुपए था लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसका कलेक्शन मात्र 70 करोड़ रुपए ही था। अब बात करें टॉप 3 की, जिसका नाम है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इसका बजट 125 करोड़ रुपए था लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन 94 करोड़ रुपए का था। हमारी लिस्ट में जो टॉप 2 नंबर पे आते हैं वो मूवी है उजड़ा चमन, जिसका बजट 7 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन 12 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे टॉप 1 मूवी की जिसका बजट सबसे ज्यादा था और कलेक्शन बहुत ही कम, उसका नाम है कलंक। कलंक का बजट 150 रुपए करोड़ था लेकिन कलेक्शन मात्र 81 करोड़ रुपए। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही कम पैसे जुटा पाई है, अपना जितनी लागत थी उसका आधा भी बहुत ही मुश्किल से कर पाई है। तो ये थी 2019 के बॉलीवुड की कुछ खास फिल्में जिनके लो बजट होने के बावजूद इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा कमाल किया है, और कुछ ऐसी भी फिल्में रहीं जिन्होंने हाई बजट होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उतना लोगों का दिल नहीं जीत पाई जितना उनको जीतना चाहिए था। तो ये था निशान हाशमी का बॉलीवुड पे फिल्मी ज्ञान। तो बने रहिए इसी तरह बॉलीवुड की और चटपटी बातों के लिए। कैमरे के पीछे थे राजकुमार, मैं हूं निशान, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।